ये एतमाद मुझे सुबह शाम काफ़ी है कि जैसे मिलने वाला मुझको काम काफ़ी है। क्या है रुखे हुकूमती ताम खाने का, सुना है मैंने वहाँ इंतज़ाम काफ़ी है। लंगर खानों की ओपनिंग होती है जा रही, लो फिर आ रहे हैं वासु चौधरी। सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह खैर। ये आपने क्या किया? प्यारे नहीं लग रहे? ये कलर क्या है? पहले तो आप ये बताएंगे मुझे जरा। ए तुसी चनोट वाले पासे जानो हस्पताल ना ते सीनियर मरीज ने एहो जी वर्दी पाई। नहीं लेकिन आप बताए ना अकरम साहब, ये क्या कलर है? तुसी पढ़े लिखे नहीं? नहीं तो फिर जो पढ़ के हो मेरा सिर क्यों काट रहे? नहीं मैंने बताया ना बचे नहीं। आप बोला बूटा काला करता है, बूटा रंग भी दसे। आप ये देखें इनके घर जाके देखो, घर में सफेदी नहीं कराई, ऑरेंज शर्ट पाई। एक गल याद रखना, बंदा जिन्ना भी बसुरा हो ना वो कलरफुल शर्ट पा ले बंदे दे मुंह वाल ध्यान ही नहीं जाता। बोरी समझ के छाते सुटदा। एक गल जिंदगी च याद रखना, सिर्फ दो बंदियां ने कलरफुल शर्टां पाईयां। किन्ने किन्ने? एक कैनेडा दा वजीर आजम, दूजा अकरम उदास। जो बंदे नूं सट लगदी है ना डॉक्टर साहब तो पहले यह जी दवाई लाता। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ मेंबर स्टैंडिंग कमेटी हैं फॉर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, जनाब मियां मोहम्मद आतिफ। दूसरी मेहमान एक्ट्रेस हैं और मॉडल भी, मोहतरमा मोमना इकबाल। शो सर, सर एक तब्दीली के लिए शेर लाया हूं सर। कि क्या तब्दीली आई पीटीआई के बाद, कि देहात के वजूद को कस्बा निकल गया। देहात के वजूद को कस्बा निकल गया, कस्बे का जिस्म शहर की बुनियाद खा गई। और एक उम्र जिसके वास्ते दफ्तर किए सियाह, उस मरकजी ख्याल को रुदाद खा गई। हक जद भी जीन दा मंगा मैनू पत्थर मारे जांदे ने। हक जद भी जीन दा मंगा मैनू पत्थर मारे जांदे ने। मर जावां ते फिर मेरे ते फुल खिलारे जांदे ने। कोई नहीं जांदा मैं ते जाना पुछन शहर दे हाकम नू, तेरे सिर तो साढ़े सिर दस क्यों वारे जांदे ने। अपना कोई दुख दे तो हंस के सहना, आए, 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 आए। अंदर से टूट भी जाओ फिर भी मुस्कुराते रहना, रहना। एक मर्तबा मोहब्बत का इजहार तो करो मोमना, तुम्हें गुची की मेहरान ना ले दूं फिर क्या। साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक शो आपने देखा हुआ है? जी बिल्कुल। तो आपको अंदाजा तो है, जबरदस्त। सर मुझे ये बताएं ये क्यों आवाम जो है गुची की मेहरानों पे आ गई हुई है? ये बस हमारे जहनों की खराबी है। है? हमने तो सुना था कि हुकूमत की खराबी है। नहीं, हुकूमत तो फर्स्ट टाइम ईमानदार बंदों की आई है। गुची का असल प्रेजेंट देना चाहते थे लेकिन आपने मिक्स करवा दिया सारा कुछ। वो हालात हुए हैं आवाम के, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ख्वाब ज्यादा है हमारी आवाम। अच्छा, ख्वाब क्या थोड़े करने? ख्वाब थोड़े देखने चाहिए। हाँ जी, तुसी वखाने थोड़े सी है ना। कैसे थोड़े करें हम बताएं? हमने तो कौम को थोड़े ही दिखाए थे लेकिन कौम ऐसी है कि ज्यादा देखना चाहिए। सर कौम नु तुसी ख्वाब थोड़े नहीं, दिन थोड़े दसे ही, 100 दिन। दिनों का हेर फेर हो जाता है। नहीं तो ये जो आप कह रहे हैं कि ख्वाब हमने बड़े देखे थे और उन ख्वाबों को हमें छोटा करना चाहिए, ये बेसिकली लुबे लुबाब है आपकी बात का। तो यानी कि आप लोगों ने शहबाज शरीफ देखा था, आप लोगों को छोटा करके बुज़दार देख रहे हैं। क्या
बताइए कुछ ताईद या तर्दीद करना चाहेंगे। देखिए उसमें बुज़दार साहब का तो कोई कसूर नहीं है, इलेक्ट होके आए माशाल्लाह, पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं और उनका राइट है, कोई भी बंदा इलेक्ट होता है। मैं तो आपके वो ख्वाब वाली बात की तशरीह कर रहा था कि इस किस्म का मतलब भी हम ले लें, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो फिर आप बताए कैसे ख्वाब देखे हम, आप बताएंगे हम वो देखें। आप सबसे पहले तो हमें एक कौम बनना होगा, ठीक है, उसके बाद सारा इम्प्लीमेंट ले जी, ताड़ा तो काम ही खत्म हो गया। कह रहे हैं तो साहब के ख्वाब पे जो है महदूद करें, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? हमने तो मुल्क दिया था, ये तो आंखों पे भी आ गए हैं, कि ख्वाब भी इनकी मर्जी से देखे। ये देखे अवाम का क्या हाल है, वो कह रही है हमने तो आपको मुल्क चलाने के लिए था, आप तो हमारे ख्वाबों के पीछे पड़ गए हैं। और बताएं आप, है ना, बिल्कुल दिल खोल के आपने बोलना है। अब तो हमें ख्वाब देखने की भी इजाजत अपने हुक्मरानों से लेनी पड़ेगी कि इतनी मुद्दत का देख लें कि और इतना छोटा वाला आपने इतना ज्यादा नहीं देखना, ज्यादा हो गया ख्वाब। जब सो गए ना तो आपके ख्वाबों का मोची आपके ख्वाब में आएगा, आप टेंशन ना लें। ख्वाबों का मोची होता ना, ख्वाबों का शहजादा। मोची पे तुम क्यों ले आए, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? सर मैं तो कह देना सी, तुसी नहीं मनना। नहीं मैं नहीं, आप खुल के बात करें यार। नहीं नहीं मोमना तो माशाल्लाह दूसरी मर्तबा आई है। मोमना वैसे आपने वोट डाला था? वोट ही नहीं डाला था, क्यों? हाथ गवाच गया सी, अंगूठा लाना है। नहीं मगर क्यों नहीं डाला वोट? एज नहीं पूरी होगी। अच्छा उसी नादरा चला गया जैसे ना। नहीं इसीलिए फिर वोट नहीं ना डाला। नहीं नहीं मगर आपके ऐसा मामला था, एज का मसला था। मैं छोटी थी ना, मेरा आईडी कार्ड नहीं था। आज तो 30 साल जेडे पहला वोट पे ओदी नहीं गल कर रहे हैं, ओदी गल कर रहे हैं। नहीं मगर क्या आपका क्या 2018 के अंदर वोट नहीं बना हुआ था? बना हुआ था। हाँ तो यानी कि उम्र वाला मसला तो नहीं था ना, छोटी नहीं थी आप, ऐवी ना सर हमें कंफ्यूज करें। वो देखिए 30 साल पीछे पहुंच गए हैं। वो कह रही है वोट बना हुआ था मेरा, आपने वैसे ही नहीं डाला, क्यों? अपनी अपनी मर्जी होती है। नहीं नहीं मैं जानना चाह रहा था, अगर अपना एक वोट डाल भी देती तो 100 दिन तो पूरे हो गए। 100 दिन वालों को ना डालती, 100 साल वाले पा दें बिल्कुल, आप उनको डाल लेती। मगर आपने तो किसी को भी ना वोट दिया। ये क्या इतना आपका दिल उखड़ चुका हुआ है? किस तरह हम तुसी जन्नत च जाओगे, मैंने समझ नहीं आया। जन्नत में तो नहीं जाएंगे ना गलत वोट डालकर। मतलब मुझे ये बताए ना कि कैसे सही होगा ये अगर वोट नहीं देंगी आप? एक गलत वोट सबके जब गलत मिल जाते हैं तो फिर यही हाल होता है जो कौम का हो रहा है। तो ये जो हम सारों ने दिए ये वोट गलत थे, मतलब हम लोग भी जन्नत में? मगर मुझे बताएं अगर आप वोट नहीं देंगी तो आप उम्मीद किससे लगाएंगी? अब किससे उम्मीद लगा सकते हैं जब हुक्मरान ऐसे हो तो फिर उम्मीद तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हुक्मरान कैसे हो कोई बताएं तो सही ना, मुझे कोई एग्जांपल दे कैसा होना चाहिए हमारा मुल्क का हुक्मरान। अब एग्जांपल मैं कैसी दे सकती हूँ? किसी की दीजिए ना, कोई रेलेवेंट कोई मुल्क में हो, किसी और मुल्क के अंदर हुक्मरानी कर रहा हो, कहे कि उससे ऐसा हो हमारा हुक्मरान। ना आप एग्जांपल दे रही हैं ना मैं रिस्पांस दे रही हैं। नहीं आपको सब बता दूं मैं। हाँ आपको सब बता दूं मैं यहाँ के कर रहा हूँ। आज माशाल्लाह इंज बोल रहे करो हलीम खा के। मगर बताएं ना, आप बताएं, आपने उनको ना बताया मुझे बताइए हुक्मरान कैसा होना चाहिए बताएं? इंसान होना चाहिए। ये जो हमारे पास कभी शेर आ जाता है कभी बल्ला आ जाता है, मैं तो कहती हूँ इंसान होना चाहिए ना। तो मुझे बताएं कि आप क्या किसका इंतजार कर रही हैं कि गमला आ जाए, कौन आए? कहती रही हूँ इंसान आ जाए। मुझे बताएं ना कौन सा इंसान जिसका आप इंतजार कर रही हैं? इंसान कैसा होता है? इंसान को पता है इंसानियत क्या होती है? बात सुने, ये जो असेंबली के अंदर लोग बैठे हैं सब इंसान ही हैं। मतलब आप लोगों को या तो रेलेवेंट एग्जांपल बताएं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह हो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरह हो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की तरह हो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरह हो, कोई मुझे एग्जाम्पल बताएं किसकी तरह का आपको चाहिए? कैसा होना चाहिए मतलब मैं हमारा मुल्क किसी और तरह है ना, हम उस दूसरे ममालिक से कंपेयर नहीं कर सकते, हमारे मुल्क के हालात कुछ और हैं, तो हमें वैसे हुक्मरान चाहिए ना। कैसा आपको चाहिए? जो भी मुल्क के हालात हैं हर बंदा कुछ ना कुछ फेस कर रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज जो मुल्क को और तबाही की तरफ ही लेकर जा रही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वादे कर लो तो वो तो हम आम इंसान भी उठ के वादे कर सकते हैं ना कि हम मुल्क ऐसा चला के दिखा देंगे, चलाने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो चलाने वाला कैसा? ये नहीं आप बताइए, वोट तो आपने दिया नहीं कैसा है? मतलब ये मैं कैसे बता सकती हूँ ना, मैंने कभी मुल्क चलाया नहीं है। आपने कभी वोट भी नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इस बार नहीं दिया, पिछली बार दिया था। 2013 का वोट चल रहा है, ये तो प्लेयर हुआ ना मसला के वोट बहुत पुराना है इनका, मतलब मेकअप ने यंग किया 53 साल दे। आते भाई असल में उन्होंने जो पिछली बार वोट दिया था ना, मसला उस वोट का निकला कि उस वोट ने उनका दिल तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं वोट नहीं दूंगी। तो पिछली दफा किसको दिया था? पिछली दफा किसको दिया था? जिसको दिया था वो जीत गए थे नहीं और उन्होंने हुकूमत की थी। अच्छा तो ये भी क्लियर हो गया कि जो वोट दिया था अब, यानी कि उस हुकूमत का खमियाजा सिर्फ आप लोगों को इकोनॉमी में नहीं एक वोटर के अंदर भी भुगतना पड़ रहा है। आए हाय तो सर आप कन्विंस करें, आप साथ बैठे हुए हैं,
पॉलिटिशियन है, उनको वापस वोट डालने पे कन्विंस करिए ना। नहीं, ये लोग खुद ही इंशाल्लाह कन्विंस हो जाएंगे। नहीं आप सर करें, देखें वो मुझे उनके हालात ही लग रहे कन्विंस होने वाले बिल्कुल इस वक्त। मैंने अपनी बात रखी, अब ये भी कन्विंस करें ना। आपका देखें वो चुप कह रही है कि आप वो आपसे कन्विंस होना चाहती है, आप करें कन्विंस प्लीज। बेसिकली मैं खुद सर उधर देख के करें, मैं तो हुआ हूं कन्विंस। हां उनकी बात करूं मैं, तो सबने सोफे कर लो ये खींच के, उनकी बात करूं मैं तो पहले वोट डाल के फंसावा हूं। देखिए जी मैं और एडे प्यार ना देखो घर भी जाना जी यार, इंसान में चंद दी क्वालिटीज होती हैं जो मेरे लीडर में हैं, इमरान खान में। ईमानदार है, करप्ट नहीं है, मुल्क से प्यार करता है, नहीं तो वरना 40 अरब डॉलर पाउंड जो है वो छोड़ के ना आता। तो उम्मीद है कि बाकी लोग तो पाकिस्तान से इंग्लैंड जा रहे हैं और वो बेचारा इंग्लैंड से यहाँ पे आ गया, और उसने 79 में मैंने एक दफ़ा देखा था कि मलका से वो हैंडशेक कर रहे थे खान साहब, तो उस वक्त ये लोग जो जिनको ये कह रही हैं कि वो इंसान है उनको वोट दिया था। वो तो कह रही कोई भी इंसान नहीं, 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 पिछला वोट दिया, पिछला जिसको वोट दिया था। हाँ, अब तो उनको मैंने इंसान तो नहीं कहा, इंसानियत वो तो उस वक्त काउंसलर भी नहीं थे ना। हाँ, तो वो ईमानदारी की वजह से पूरे मुल्क ने उनको सिलेक्ट किया है और अब भुगत रहे ना। ये हुक्मरानी नजरिया तो मंजूर सबके अलग है, कुछ मुश्तरक तो सिर्फ बेईमानी हो। इजलास या टीवी का टॉक शो हो, सुबह शाम होती है बस बदजुबानी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मोमना ये बताएं, ड्रामा ऐद वफा बड़ा जबरदस्त गया, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। वैसे आपको कभी मौका मिलता है देखने का ड्रामे या कोई फनून लतीफा से कोई? नहीं बहुत कम होता है ना कि घर पे कोई फैमिली वाले देख रहे हो तो गुजरते हुए आपकी नजर पड़ जाए कि अच्छा कोई ड्रामा। घर पे भी बैठे खबरें ही देखते रहते सर। आखिरी कौन सा ड्रामा कोई आपको याद है जो आपने देखा है? याद ही नहीं पुरानी बात। कोई फिल्म? फिल्में तो आती रहती हैं जो। तो कौन सी आखिरी जो आपको याद हो आपने देखी है? आखिरी चूड़ियां देखी। चूड़ियां? वो चूड़ियां भी अब तो कोई 20-21 साल हो गए। वो काली रिलीज हुई, काली। उसके अलावा कभी कोई टीवी पे नहीं देखी? नहीं टीवी। अच्छा चूड़ियां क्यों, क्या टूट गई थी सारी? नहीं उसके बाद देखी नहीं आपने आज भाई। 2013 से मैंने पीटीआई ज्वाइन की। अच्छा तो ऑनवर्ड्स, तो यानी कि आपको तो आइडिया कोई नहीं होगा कि जो फनकार पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं? नहीं नहीं मुझे जनरल नॉलेज है सारों का। वो कैसे है? वो बस दोस्तों से मुंडाए के रखे कांचा के 10 दिन। नहीं मगर आपको आइडिया है कि यानी कि कौन कौन से अदाकाराएं हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? ये न्यू जो जनरेशन है इसका नहीं पता मुझे। अच्छा न्यू जनरेशन का नहीं पता? अब ये न्यू जनरेशन में कौन मैं जैसे मोमना है। अच्छा मोमना का भी नहीं आइडिया हुआ? नहीं। ठीक है अच्छा और मैं बताता हूँ, हुमायूं सईद का आइडिया है आपको? देखा है हुमायूं सईद? देखा हुआ है वो तो फिर तो बहुत ही पुराने चल रहे हैं। हुमायूं सईद भी अगर अभी आपने देखा ही है सिर्फ? उन्होंने ड्रामा नहीं ना मैं क्या मेरे पास तुम? वो आपने सुना है ड्रामे का मेरे पास तुम? नहीं मैंने देखा ही नहीं। सोशल मीडिया पे आप? सोशल मीडिया। क्या क्या यूज करते हैं? मैं अपनी फेसबुक खुद यूज करता हूँ। अच्छा ये वैसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात, यूजली हमारे पास जो आते हैं पॉलिटिशियंस वो कहते हैं उनकी टीम होती है वो मैनेज कर रही होती है। उन्होंने तो ड्राइवर रखे हैं। मैं खुद ही ड्राइवर हूं। तो फेसबुक यूज करते हैं, उसके अलावा और कौन सी? ट्विटर यूज करता हूँ। इंस्टाग्राम? नहीं वो नहीं। अच्छा टिकटॉक? नहीं। मान जाओ मान जाओ जो निकली हो तो मनोगे ना। आपको टिकटॉक का आइडिया है? नहीं मेरे इंस्टॉल ही नहीं है मेरे फोन। नहीं मगर कोई आपको आइडिया तो है? आइडिया कैसे आइडिया हुआ? बाकी यारों दोस्तों के हैं ये चौहान साहब के दोस्त हैं सर, चौहान फैजल साहब उनके साथ। तो फिर आइडिया क्यों नहीं? नहीं नहीं वो कह रहे हैं आइडिया, वो आइडिया मुझे है लेकिन मेरे पास नहीं है। हाँ उनके पास नहीं है, उनको वीडियो पहुंच जाती है। वैसे चौहान साहब वाली पहुंची थी सर? नहीं ना। आप तो वैसे काफी यूज करती होंगी सोशल, कौन कौन से ऐप्स यूज करती हैं? टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ट्विटर आप नहीं करती यूज? नहीं। ठीक है तो फेसबुक पे आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे? नहीं तो खुद यूज करते हैं आप? भेजना चाहेंगी? क्यों मैं पूछ रहा हूँ, चाहेंगी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं आप चाहते ही नहीं है सर। आई एम सॉरी मैंने ट्राई की थी। अहद किया जिससे आप वफा कर सके है भाई मेरा सलाम कहना। पहली बॉल पे बोल्ड हो गए। नहीं नहीं वो अच्छा हो गया ना लेकिन वो नाम नहीं ना मेरा बताना चाहती। फर्स्ट टाइम जब आई थी ना तो हमने वो वादा तो किया था ना। अच्छा। अब माशाल्लाह जेन बना के आई है, उन्होंने बता भी दिया नाम। क्या नाम बताया? क्या नाम है उनका? किनका? मेरे ताए दे मुंडे दा जी। मतलब देखिए ना जिंदगी ये शर्माना नहीं चाहिए। दोस्त बना लूं सब कुछ बता दूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर ले ले और उसमें 300 का बैलेंस भिजवा दीजिए।
number? I'm good. How are you? You know, I'm very happy. I know. You see that? Yes. You know, I'm going to get a great job. Why? उठे मैं इंटरव्यू दे के आया. अच्छा. सक्सेस हो गया. अच्छा. उठे 37 बंदे सन. 37. 37. Okay. ते मैं इकल्ला क्लियर होया. उन्होंने मैनू देखा, उन्होंने कहा यू आर ए गुड मैन फॉर अस. ये इंटरव्यू किस चीज का था? उठे मैं गार्ड लग गया. किधर गार्ड लग गए हो? इथे ठंडी सड़क दे उते ना. हाँ? एक दफ्तर हैगा ऑन द रोड दे उते. अच्छा. उठे गेट तो दूर पीछे उन्होंने दफ्तर है. अच्छा. उन्हें कहा तू गेट ते बहना. हाँ? 8 AM to 5 PM. बट यू नो उन्होंने कहा 15,000 तू जरे जमानत देना. जमानत देना? मैं क्या बट वाए. हाँ? कहंदे ने तेनू ड्रेस देंगे. अच्छा. तेनू ट्रेनिंग करावांगे. ओके. ते तेनू कुछ मालूमात देंगे जनरल नॉलेज दी. ओके. 15,000 लगना है ते 22,000 रुपए महीना. 22,000. गुड यार. यू नो सैटरडे संडे ऑफ. हाँ, दो दिन मैं तुहाडे नाल मंगांगा. यस. बस मैनू 15,000 दे दियो. मैं हर महीने तुहानू 300 देंदा रहांगा. वापस करांगा. दुआर लैणा मैं कोई केड़ा तुहाडे को मांग रहा. नहीं नहीं, मगर मेरे पास है नहीं. नहीं, वो ते कदी भी नहीं दे. मिल जाएंगे. ओह गुड गाय. पता नहीं कौन आए ने. कौन है वो? देखो आसिफ साहब. आई अंडरस्टैंड. सिटिंग MPA. ओ वोटा पाओ, वोटा पाओ. ए गाना ना गाओ. ओ वोटा पा में पाओ ना पाओ. दूसरी पार्टी. हुन गाना गाओ ना, मुंह ते तेरे आलू पा देना. मैं समझ गया. उन्हां दे चेहरे ते जिन्ना इनोसेंट बंदे ने PTI दे ही हो सकते. हाँ जी. PTI दा जरा बंदा हुए ना, उन्हां दा फेस बड़ा इनोसेंट हुंदा. जदों आएगा इमरान सब की जान बनेगा नया. पाकिस्तान नवा बने. मुश्किल ही है बाजी, तुहाडे कोल भी नहीं. पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया नवा पाकिस्तान. That's why I love Imran Khan. Uh-huh. Imran Khan de jere follower ne na, deer zarur lande ne, but inkaar nahi karde. Acha. Lekin note check kar la ke te Eid Mubarak na likhya hove. Je likhya vi hoya te main kahanga khair mubarak. Yes, 5,000 sado maro. Baji tuhade kol nahi. Dasso yara, dasso. अपने को जेब च पैसे रख दे, भाभी नु नहीं फरांदे. भाभी नहीं है ये. ओ एक्सक्यूज मी, वो अलग आई हुई है. ते की में अलैदगी हुई तुहाडी? अबे मैं दुआ करा तुहाडी सुलह हो जाए. अलैदा गेस्ट है वो. सिंगर वेख लो तुसी, पहले सिंगर वेख लो. अपने मुंह वेखो जिवें पाटे ढोल हुंदे ने. अपने मुंह वेखो जिवें ਜਿਵੇਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੀ ਦੈਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਬੀਟਰ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਲੇਲੇ ਮੁੰਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ. Ready one, two, three, four.
ਨਿਰਗੋਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨੀ ਲੱਗਣੀ। ਸਵੇਰੇ 4:15 ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਸੱਟੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਗੜ ਧਾਮ। ਤ੍ਰਿਗੜ ਧਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 2 ਮਿੰਟੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਖਾ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਣਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲ 500 ਵਾਪਸੀ ਤੇ 5 ਲਈ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1000 ਦੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਏਡੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 8 ਪੇਟੀਆਂ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੰਗਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ PTI ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਫੋਨ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ये आम है। कहंदे ने वो आम है, मैं तो खास हूं। हाय हाय, यकीन हो गया भी तुसी खास हो। कहंदे ने मैनू तो हो गया है, वो लोकां नू क्यों नहीं हो रहा? मैं कहा सर हो जाएगा। कहंदे ने कोई तरीका दस। मैं कहा सब तो पहले आ जिहड़े तुसी वजीर वाले दी कुर्सी ते बैंदे हो ना, ਮਸਕੀਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਬਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਠਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, 8 ਪੇਟੀਆਂ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲੈ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ 2 ਨਿਕਰਾਂ ਤੇ 2 ਟੂਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਨਿਰਗੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਬਈ ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਬਈ 8 ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਯਾਰ ਅਬ ਉਨਕੇ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿੰਨੇ ਕਪੜੇ ਰਜ਼ਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੰਬਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਗਿਟਕਾਂ ਬਚਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅੰਬ ਖਾਓ, ਚੀਨੀ ਲਵੋ, ਆਟਾ ਲੱਭੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਬ ਵਰਦੀ ਤੇ ਹੋਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨੇ? ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਟਾਈ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਬ। ਅੱਛਾ ਡਬਲ ਚੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਚੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਡ, ਉਹ ਟਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਯੂ ਨੋ ਜੈਸ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ MPA। ਵਾਹ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਐ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ? PTI? PTI ਪੁੱਤਰ ਅਗੂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ PTI। ਔਰ ਐਸੇ ਫੇਰ ਆਦਮੀ PTI ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ PTI 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਲਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਮੋਮਨਾ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੋਮਨਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਗਏ ਹਮ ਤੁਮ ਲਗੇ ਤੁਮ? ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਓ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖਾਦੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਕੋ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੋਮਨਾ ਇਕਬਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ? ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ?
ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੰਡਾ ਲਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਬਾ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਸੈਂਡ ਓ ਯੈਸ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ, ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। चौहान साहब का आइडिया नहीं है, उस्मान बुज़दार साहब का भी आइडिया नहीं है, मियां मोहम्मद आतिफ साहब का आइडिया, इनसे मिलिए, इनके घर वालों ने इनका नाम मियां मोहम्मद आतिफ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो किससे आगाज करें, मोमना आपसे करते हैं। यस। चलें जी फिर, आधी रात का वक्त है, मोमना शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन के अंदर सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किसको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। कोई खास वजह? करती तो दोनों को ही ना कॉल, ऑब्वियसली बोर हो रही थी, किसी फ्रेंड को कर लेती, लेकिन अभी ऑप्शन दो थी तो मैंने कोई एक चूज कर, मगर शहबाज शरीफ सवाल ठीक है। ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगाएंगी, रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी, वो तस्वीर आप इनमें से किन की देखना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब कायम अली शाह और मौलाना फजलुर रहमान। और कोई ऑप्शन नहीं है? ये दो ही हैं। तो पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। उल्टी करके ला लेना। ठीक है, नहीं सीधी लगी रहेगी, बहुत बड़ा फ्रेम है, इससे हिलेगा नहीं, वो एक बार लग गया तो लग गया। कायम अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब की तस्वीर होगी वो। हाँ जी, इन्हें सीनियर ने तस्वीर जी भी खंग पेंदे। टाइटैनिक पर जाने का वक्त, दो वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे मोमना किसी को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे वीआईपी पास पर मोमना किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास है मुबशर लुकमान और फवाद चौधरी। मुबशर लुकमान। कोई खास वजह? मैं उनको जानती हूँ, मतलब मुझे उनका पता, इसलिए मैंने उनको। अच्छा, फवाद चौधरी का नहीं पता उनको, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देके आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फयाजुल हसन चौहान, उस्मान बुज़दार और मियां मोहम्मद आतिफ। मुझे तीनों का ही नहीं पता। आपको फयाजुल हसन चौहान साहब का आइडिया नहीं है? नहीं। आप लाहौर में रहती हैं? हाँ। आपको उस्मान बुज़दार साहब का भी आइडिया नहीं है? नहीं। आपको मियां मोहम्मद आतिफ साहब का आइडिया? नहीं। इनसे मिलिए, इनके घर वालों ने इनका नाम मियां मोहम्मद आतिफ। वो इन्होंने लाहौर फवाद समझ रहे हैं। मैं तीनों में, मुझे मतलब नाम तीनों ही ऐसे थे, मैं मुझे लगा कि मुझे नहीं पता। कैसे थे? मतलब क्योंकि मैं एक चौहान, एक बुज़दार, एक मियां मोहम्मद आतिफ, ये तो तीनों मुख्तलिफ नाम है। हाँ, तो मुझे उनका भी नहीं पता था, तो फिर मैंने वो तो उन पे तो होगी होगी उनके साथ। ये आपने गलत किया मेरे साथ। मैंने गलत किया क्या? मैंने तो आपको नाम मासूमाना तरीके से पूछे। लेकिन अब मैं तीनों में से कोई चूज नहीं कर सकती। क्यों? मैं खुद को ही बचा लूंगी बस। नहीं नहीं, आप तो बच रही है, एक को दे दे किसी एक को लाइफ जैकेट। नहीं नहीं, अब आपने सिचुएशन ऐसी बना दी मैं खुद ही बच जाऊं, अभी बहुत बड़ी बात। आप तो बच रही हैं, आपकी आपके पास है लाइफ जैकेट, एक एक्स्ट्रा है, वो किसी को देनी है। किसी को भी दे दें फिर। आप बताएंगी? इनको ही दे दें अब। नहीं सर, आप ही ले लें। आदम साहब, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस शटल में आप बैठे हैं, दो सीटें हैं उसके अंदर, एक पे आप जा रहे हैं और साथ वाली सीट पे आप किसी और को चांद पर साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन जिसको साथ लेकर जाएंगे उसके वापस आने की गारंटी नहीं है, तो इनमें से किसको आप चांद पर अपने साथ लेकर जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद चौधरी और डॉक्टर आमिर लियाकत। आमिर लियाकत। आमिर लियाकत को चांद पर लेकर जाना चाहते हैं ये, ठीक है। सर, एक लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप, तीन लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, एक के साथ आते साहब आप सेल्फी लेंगे, एक के साथ आप हाथ मिलाएंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है, किसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं यासिर हुमायूं, मुराद रॉस और फयाजुल हसन चौहान। तो किसके साथ आप सेल्फी लेंगे सबसे पहले ये बताएं। चौहान साहब के साथ। चौहान साहब का सेल्फी होगी। किसको हाथ मिला रहे हैं आप? मुराद रॉस। और किसको कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है? द थर्ड वन। यासिर हुमायूं साहब, आपका फ्लोर आ गया है फिलहाल। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो टिकट्स आपके पास हैं, एक आपके अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक कमान और महविश हयात। महविश हयात। महविश हयात, ठीक है भाई।
मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको भी घर में लगानी है। रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीरें पड़ेगी, वो तस्वीर इनमें से किन की देखना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं शहबाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी और माहिरा खान। माहिरा खान ठीक है। अजय तुम पुरानी फिल्में देखियां है ना सर। डूबी कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट्स मिर्जा बेग आपकी अपनी, दूसरी दे के किसी की जान बचा सकते हैं। दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस हैं जहांगीर तरीन और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार, वाह वाह वाह। आदर्श थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोमना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एज वेल। ऑन भाई आए ना जरा फिर।